उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते 15 दिनों से माहौल जो है वो हिंदू मुस्लिम का बना हुआ था, जहां हिंदूवादी संगठनों द्वारा मुसलमानों को लेकर के ये ऐलान किए जा रहे थे कि हम उन्हें चुन चुन करके मारेंगे, नरसंहार का ऐलान किया जा रहा था, हम जिहादियों को उत्तरकाशी की देवभूमि पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें हम पाकिस्तान बेच करके दम लेंगे। ये तमाम वीडियो जो है उत्तरकाशी से हिंदूवादी संगठनों की नजर आ रहे थे, जहां नोटिस चस्पा करके मुसलमानों को धमकी दी गई कि अगर 15 जून से पहले आपने उत्तरकाशी नहीं छोड़ा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज 15 जून वो तारीख जहां हिंदूवादी संगठन ने महापंचायत बुलाई थी, और आज का ये दिन मुझे इसलिए देखना था कि ये आज का दिन हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि हिंदूवादी संगठन और पुलिस प्रशासन के बीच का मामला था, जहां बीते 15 दिनों से धज्जियां तो मुसलमानों के नाम पर उड़ाई जा रही थी, पर जब संविधान को लेकर के बातें सामने आई तो पुलिस भी मजबूर हो गई लठ उठाने के लिए, जहां अब तस्वीर सामने आ रही है कि कई दर्जन हिंदूवादी संगठनों को और उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, और इस गिरफ्तारी की बौखलाहट हिंदूवादी संगठनों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किस तरीके से इन नेताओं को, इनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया और कैसे बालकनी में खड़े होकर के ये नारेबाजी कर रहे हैं घर के अंदर बंद होकर, एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो जहां ये लोग धमकी दे रहे थे कि हम शासन प्रशासन को घुटने पर ला देंगे, गीदड़ भभकियां देते हुए ये हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। और अब तस्वीर आपके सामने है कि घरों में कैद होकर बालकनी से नारे लगा रहे हैं, जो अपने घर की दहलीज पुलिस प्रशासन की देखरेख में नहीं लांग सकते वो नारे लगा रहे हैं कि हम परोला जाएंगे। ये तस्वीर लोगों के सामने आना जरूरी है। तो वहीं एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जो घर के अंदर बंद होकर कैसे गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हिंदू समाज के लिए बहुसंख्यक है जो आपको नौकरी करने के लिए जो है प्रेरित करता है, नौकरी नहीं कर पाएंगे। जो आज भी इस संविधान को नहीं मानता वो अपनी किताब के शरीयत के कानून को क्या हिसाब से चलता है? आपने कानून बना लिया, कौन सा मुसलमान मानता है? आप बनाते रहिए किसान, वो अपने शक्ति है। हम सब लोग अगर आज नहीं खड़े हुए तो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये बीमारी का एक ही इलाज है, वो हिंदू संगठन है, वो हिंदू एकता है, वो हिंदू समर्पण है, और वो केवल और केवल बजरंग दल है। आपने एक वीडियो देखा, बालकनी की छत पर खड़े होकर ये नारेबाजी कर रहे हैं, घर के अंदर घुस करके मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, जो कि एक बंद कमरे में इन लोगों द्वारा मीटिंग बुलाई गई। ये प्रशासन का, पुलिस का पूरी तरह से फेलियर है कि लव जिहाद का इतना क्राइम ग्राफ ऊपर से नीचे तक बढ़ चुका है। परिस्थितियां बड़ी गंभीर है, लेकिन प्रशासन इस चीज को दरकिनार करते हुए क्षेत्र के बहुसंख्यक समाज को दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रहा है। अरे कहां जाएंगे गरीब मासूम गांववासी जब उनकी बेटियों को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जाएगा? पुराने रहने वाले यहां पे बासिंदे उन लोगों के द्वारा यहां पर मासूम बच्चों को टारगेट कर उनको लव जिहाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मानव तस्करी जैसे कई आरोपों में वो लोग लिप्त हो सकते हैं। आपने देखा कि पुलिस का बैरिकेड लगा दिया गया है, जो हिंदूवादी संगठन के नेता बाहर आ गए हैं,
और जब वो बैरिकेड लांग करके परोला की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस लठों में तेल लगा करके इनका जमकर स्वागत भी कर रही है, जिसके कारण कई नेताओं को, हिंदूवादी संगठन के जो गुंडे हैं उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं क्योंकि परोला में धारा 144 के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। केशवगिरी हिंदूवादी नेता समेत कई दर्जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद इन हिंदूवादी संगठन के नेताओं द्वारा यह ऐलान किया है कि अब वो 15 जून को नहीं बल्कि 25 जून को हिंदू महापंचायत करेंगे, जिसके बारे में वो ऐलान करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। परोला में महापंचायत को रोकने के लिए कई जगह धारा 144 लगी हुई है। इसके विरोध में जिले के पंचायत क्षेत्र में नौगावा, बड़कौट, डामटा, मोरी से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। दुकानें आज के दिन बंद की गई हैं, जिसमें होटल, सब्जी की दुकानें, दूध की डेयरी और मेडिकल स्टोर भी शामिल हैं। यानी कि इन हिंदूवादी गुंडों की वजह से पूरा जल जीवन जो है वो ठप पड़ गया है। क्षेत्र में आलम यह है कि सुबह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी बीच बड़कौट में पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे के बावजूद भी व्यापार मंडल और हिंदू संगठन के लोग काफी संख्या में अलग अलग वाहनों में बैठकर परोला के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन पुलिस ने राजगढ़ी बैरिकेड पर उन्हें रोक दिया है, जो कि अपनी दबंगई दिखाने के लिए पहुंच रहे थे पर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही लठ के जोर पर रोका है। निजी वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन भी सरकारी वाहनों के अलावा निजी वाहनों में बैठकर परोला जाने पर पूछताछ कर अपनी नजर बनाए हुए है। धारा 144 के विरोध में संपूर्ण यमुना घाटी के बाजार बंद है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं व्यापारियों द्वारा प्रतिष्ठान बंद करने पर यमुनोत्री धाम में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जो दर्शन के लिए, जो घूमने के लिए जाते हैं, जो जल जीवन इन लोगों की वजह से आज 15 जून को ठप पड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसी के साथ साथ व्यापारियों द्वारा सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने से यमुनोत्री हाईवे पर जाम लग गया है। स्थानीय लोगों समेत यात्रियों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बता दें कि परोला में महापंचायत को रोकने के लिए लगाई गई धारा 144 के विरोध में आज कई जगहों पर व्यापारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस भी आज तैनात की गई है, जिसको लेकर परोला में 12 दुकानदार जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। परोला में अब तक मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें बंद हैं। करीब 12 लोग दुकानों से सामान समेटकर वापस चले गए। दुकानें खुलवाने को लेकर अधिकारी लगातार स्थानीय लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। शांति और सौहार्द की अपील के बीच यहां पंचायत संगठन ने 15 जून को हिंदू महापंचायत का ऐलान किया था, जिसको लेकर एसडीएम ने देर शाम उनकी अनुमति को ही उनके मुंह पर दे मारा था। इसके बाद ताजा खबर यह भी सामने आई कि उत्तरकाशी के नौगावा में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। परोला जाने को लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग और व्यापारी मुंगरा पुल के पास बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। परोला तहसील के क्षेत्र अंतर्गत धारा 144 लगी है, इसलिए हिंदू संगठन के लोग नौगावा में ही महापंचायत करने की योजना बना रहे थे। धरने पर बैठे लोगों ने जबरन परोला जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लठ बरसाना भी शुरू कर दिया, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है। और इसके बाद उन्हें वहां मौजूदा भारी पुलिस फोर्स ने व्यापारियों और हिंदू संगठन के लोगों को रोक दिया, जिसमें वो लोग पुनः धरने पर बैठ गए थे। इसी के बाद यमुना घाटी हिंदू जागृति मंच के संयोजक केशवगिरी महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद धरने पर बैठे सभी लोगों ने गिरफ्तारी दी है।
पुलिस वाहन में गिरफ्तार किए व्यापारियों और हिंदू संगठन के लोगों ने धरना स्थल से आधा किलोमीटर दूर जाकर छोड़ा गया है। केशवगिरी महाराज ने अब 25 जून को बाड़कोट में महापंचायत का ऐलान किया है, जो कि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है और इन गुंडों को लगातार सबक सिखाने का काम भी पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हर एक तस्वीर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।